हेलो व्यूवर्स, जो आप वीडियो देख रहे हो ये फ्री बेसिक कंप्यूटर कोर्स पे है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो अगले पार्ट्स आने वाले हैं इस कोर्स के, आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। दूसरा जो है, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट देख रहे हो तो आपको इसके पहले के सारे वीडियोज़ भी देखने होंगे, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर ये वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको होगा ना मुझे होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं AIIMS IIT। हेलो वेलकम वीवर्स, आज का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में हम आज जो जानेंगे वो है हेडर, फुटर, पेज नंबर। तो ये जो वीडियो है इसे एंड तक देखें, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो हेडर फुटर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल ऑप्शन होता है MS वर्ड के अंदर। हेडर का मतलब है टॉप का सेक्शन और फुटर का मतलब है पेज का बॉटम सेक्शन। तो ये पेज का टॉप और पेज के बॉटम को हम हेडर और फुटर कहते हैं। एक्चुअल काम क्या है इसका? हेडर जो पेज का टॉप होता है, अगर आपको कभी ऐसा हो कि डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड, कोई टेक्स्ट आपको लिखना है जो आपको हर पेज पे चाहिए, क्योंकि MS वर्ड के अंदर आप जितने चाहिए उतने पेजेस ले सकते हो। सपोज़ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में अगर 10 पेज हैं तो 10ों पेज पे आपको आपके कंपनी का नाम लिखना है और फुटर में आपका कंपनी का एड्रेस लिखना है। तो उस केस में आप करोगे क्या? आपको जस्ट हेडर में आना है, उसके बाद आपको हेडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेडीमेड डिज़ाइन दिखाई देंगे। जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए जस्ट पॉइंट करो उसके ऊपर। ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पे हैं, जस्ट पॉइंट ऑन दैट। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे एम्स, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। आप चाहो तो टेक्स्ट भी, टेक्स्ट के अलावा नंबर्स भी ले सकते हो। इस तरह से टाइप करने के बाद आप जैसे ही इसे बाहर क्लिक कर दोगे या क्लोज करोगे, यहाँ से आप इसे बंद करने के लिए डबल क्लिक बाहर भी कर सकते हो, एरिया के बाहर, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, या फिर चाहो तो क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक भी कर सकते हो। तो ये हो गया हेडर। आप चाहो तो इसे फॉर्मेट भी कर सकते हो। फॉर्मेट करने के लिए आपको जस्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मली हम फॉर्मेट करते हैं टेक्स्ट को, वैसे सेम होम में जाकर आप यहाँ से अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो, लेफ्ट सेंटर राइट, आप चाहो तो स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ से मैं बोल्ड भी करता हूँ इसको। इसे बंद करने के लिए मैं यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये जो एरिया है हेडर का, इसके बाहर पॉइंट कर रहा हूँ और जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हेडर आ चुका है। अब हेडर आने के बाद मैंने जो टाइपिंग की हुई है वो फर्स्ट पेज में की हुई है। चलो फुटर भी कर लेते हैं। फुटर में मैं यहाँ पे पॉइंट करता हूँ और यहाँ पे अगेन यहाँ पे आने के लिए इंसर्ट, आप चाहो तो यहाँ पर डबल क्लिक करके भी फुटर को ला सकते हो, या फिर इंसर्ट जाकर आप अगेन फुटर पे क्लिक करके भी फुटर को ऐड कर सकते हो। फुटर देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो मैं, चलो यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ सपोज़ यहाँ पे मुझे सिटी का नाम है या फिर जो भी है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो सिटी, कंट्री और स्टेट, आप ऐसे यहाँ पे, या एड्रेस कह सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको फॉर्मेट करना है तो सेम ऑप्शन है। अगेन मैं यहाँ पे साइज़ लूँगा इसका, थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे बोल्ड करता हूँ, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इससे बाहर आने के लिए भी सेम ऑप्शन है, जस्ट पॉइंट ऑन देना डबल क्लिक, तो डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। तो आप गौर करो, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पेज पर टाइप किया हुआ है जो कि मेरा फर्स्ट पेज है। ये है हेडिंग और ये है उसका फुटर। अब मुझे अगर हर पेज पे चाहिए तो उसके बस मुझे करना क्या है, बस मैं यहाँ से एंटर प्रेस करता जाऊँगा, यानी कि नए पेज को ऐड करता जाऊँगा। तो मुझे हर पेज पे ये चीज़ को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हेडर और फुटर जो है, आप अगर किसी भी एक पेज पे, डॉक्यूमेंट के किसी भी एक पेज पे हेडर या फुटर को लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली हर पेज पे डिस्प्ले हो जाता है, ऐड हो जाता है। आपको अलग अलग हर पेज पे उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको इसे रिमूव करना है तो बहुत ही सिंपल है। आपको बस दोबारा से इंसर्ट में आना है, उसके बाद हेडर में जाकर आपको यहाँ पे रिमूव हेडर पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट हेडर पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली रिमूव हेडर पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हो। अगर आपको फुटर रिमूव करना है तो सेम ऑप्शन है, या फिर एडिट करना है तो आप हेडर या फुटर के सेक्शन में इस तरह से पॉइंट करके आप डबल क्लिक करने से भी वो एडिट आपको अलाउ करता है। या फिर अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे
सीधे इंसर्ट जाकर फुटर में जाकर रिमूव फुटर कर सकते हो, या फिर चाहो तो यहाँ पे पॉइंट करके सेलेक्ट करके एक साथ उसे डिलीट कर सकते हो। तो ये हो गया हेडर फुटर की बात। अब आते हैं पेज नंबर में। पेज नंबर में अगर आप डॉक्यूमेंट पूरा आपका एक 10 पेज का है, 15 पेज का है, आपको हर पेज पे नंबर देना है, हो सकता है 1, 2, 3 पेज नंबर हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस और करंट पेज दोनों हो सकता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में कुल पेज कितने हैं सब मिलाकर, और जो डॉक्यूमेंट हम पॉइंट कर रहे हैं, जो हम पेज पॉइंट कर रहे हैं, उस पेज का नंबर क्या है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको अलाउ करता है। जब पेज नंबर पे आते हो आप, तो सबसे पहले पूछता है आपको कि आपको पेज के टॉप में नंबर लेना है। पेज के टॉप में का मतलब क्या है, जो पेज का यहाँ पे लेआउट दिखाई दे रहा है, ये लेआउट का टॉप सेक्शन है, वैसे ये जो दिख रहा है आपको पेज का, ये जो है बॉटम सेक्शन है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा है। तो पेज का टॉप है, पेज का बॉटम है, दोनों ऑप्शंस हैं। जब मैं पेज के टॉप में आ रहा हूँ तो यहाँ पे ये मुझे वही कहेगा टॉप ऑफ पेज, यानी कि पेज के टॉप में। पेज के टॉप में, तो पेज टॉप पे कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, या पेज के सेंटर में, या पेज के राइट में, इस तरह से ऑप्शन अलाउ करेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो पेज नंबर आएगा, लेकिन पेज के राइट साइड में आएगा, टॉप राइट में आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे डिज़ाइन चेंज हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट में आएगा, बट यहाँ पे लिख के आएगा 1 पेज बोल के। तो इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन से राइट में आएगा पेज 1 लिख के आएगा, पेज 1 ऑफ 1, यानी कि टोटल पेज कितने हैं, ये कौन सा पेज है बताएगा। इस तरह से यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं आप। जैसे मैंने कैटेगरी यहाँ पे बात की है, वैसे सिमिलर कैटेगरी बॉटम पेज के लिए भी है, बस फर्क ये होगा कि वो बॉटम के लिए आएगा, यानी कि पेज के फुटर, पेज के नीचे के सेक्शन में आएगा, ये टॉप के पेज के सेक्शन में आएगा। दूसरा जो है मार्जिन है, यानी कि पेज का जहाँ कहीं मार्जिन है वहाँ पर आएगा, करंट पोजिशन जहाँ कहीं है वहीं पर आ जाएगा। इसलिए चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो इस्तेमाल करेंगे वो टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, इस तरह के ये दो ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे टॉप ऑफ पेज ले रहा हूँ और यहाँ पे सेंटर ले रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर आ चुका है, सेंटर 6, 6 में यहाँ पे सेंटर दिखा रहा है 6 में। अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में आ चुका है 6, 5, आप नंबर देख सकते हो 4, ऑटोमेटिकली नंबर्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अगर आपको ये नंबर फॉर्मेट चेंज करना है या उसका स्टाइल चेंज करना है, उसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में अलाउ करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको दोबारा इंसर्ट आना है, अगेन पेज नंबर में जाना है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ऑप्शंस हैं बॉटम, वैसे ही टॉप, ऐसे ऑप्शंस हैं। तो मैं पे कोई भी क्लिक करता हूँ इस तरह से, लाइक दिस। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसे, सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसे होम में जाकर लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, इसका साइज़ बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, इसे कलर करना है कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल करते हो कर सकते हो। ये तो क्लियर हो गया। उसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है, एक्स्ट्रा ऑप्शन ये है कि जब कभी आप इंसर्ट में आते हो और यहाँ पे पेज नंबर में आते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको फॉर्मेट पेज नंबर। इसका क्या मतलब है, फॉर्मेट पेज नंबर का मतलब है कि किस तरह से आप टेक्स्ट को फॉर्मेट, यानी कि पेज नंबर को फॉर्मेट, नॉट टेक्स्ट, पेज नंबर को फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे चंद नंबर फॉर्मेट्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 1, 2, 3, वैसे ही -1, -2, वैसे ही अ, ब, त उर्दू में आ रहा है, यहाँ पे ABC इंग्लिश में, ABC कैपिटल, ऐसे रोमन, ऐसे आपको पेज नंबर जो है कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज इसके पहले जो हमने लिया हुआ है वो डेसिमल नंबर्स में है, यानी कि 1, 2, 3, 0 to 9 जो नंबर आते हैं डेसिमल, उसे हमने यूज़ किया हुआ है। अगर मैं पे क्लिक कर दूँ रोमन, तो अभी वो रोमन नंबर में आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पेज नंबरिंग, यानी कि पेज नंबर कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे कह दो स्टार्ट एट, सपोज़ आप कह दोगे 1 या 2, 3, आपने 3 कह दिया, तो 1 से 2 जो नंबर है वो गायब हो जाएगा, 3 से नंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कहाँ से स्टार्ट करना है आप उसको भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। मैं इसको रिमूव करता हूँ, कॉमनली हम ये चीज़ नहीं करेंगे। अब बस आपको ओके करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब पेज नंबर जो है वो रोमन में आ चुका है। अगर आपको इसको रिमूव करना है या फॉर्मेट चेंज करना है, तो उस केस में फॉर्मेट चेंज करने का ऑप्शन तो सेम है, दोबारा वहीं जाओ और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स में डेसिमल नंबर को सेलेक्ट कर लो, यानी कि जो 0 to 1, 0 to 9 जो ऑप्शन है। दूसरा, अगर आपको फुटर चाहिए नहीं, सॉरी, आपको पेज नंबर चाहिए ही नहीं, पेज नंबर को रिमूव करना है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको जस्ट यहाँ पे पेज नंबर में आना है और डायरेक्टली रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करना है। अगर पेज नंबर में कुछ एडिट करना है तो क्या करोगे, मैं अंडू कर रहा हूँ वापस से। पेज नंबर को एडिट करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट वगैरह करने के लिए आप क्या करोगे, आप जो है जस्ट पॉइंट ऑन दैट, उस पेज नंबर पे पॉइंट करो, जैसे आपने हेडर फुटर के लिए एडिट किया डबल क्लिक करके, वैसे सेम डबल क्लिक कर लो, तो आप सीधे वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ से आप इसे फॉर्मेटिंग भी
अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसे रिमूव करना है तो सीधे दोबारा से मैं इंसर्ट आ रहा हूँ, इंसर्ट में आके यहाँ पे पेज नंबर में सीधे मैं क्लिक कर रहा हूँ रिमूव पेज नंबर। तो ये बहुत ही ईजी और सिंपल ऑप्शंस हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो उस केस में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको हमारे अगले जो पार्ट हैं, जो फ्रीक बेसिक के पार्ट हैं, वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, और आज के जो 3 सवाल हैं उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दें। तो इसके बाद एक नए पार्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।